शाहरुख का कोई गाना बना सर एक बार फिर से करेंगे स्टार्ट फूल देने वाला एक बार फिर से करेंगे हाँ डाल देंगे ये अवॉइड करो कोई भी अच्छा तुम वही बजा दो जो है वही बजा दो छोड़ो स्टार्ट भाई चल तू बजा मेरा मोबाइल बंद तो है मोबाइल कोई भी बजा दो यार कुछ भी अभिनय शाही अभी दिस इज फॉर देम ठीक है इंपॉर्टेंट मोस्टली उमा शंकर और हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उमा शंकर के इस लुक को चेंज किया हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि मैं चेंज करूँ बट ये इस लुक में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और थोड़े से मॉडर्न भी लग रहे हैं अब तक धोती कुर्ते में थे जो कि इन पे बहुत सूट करता था और इनके कैरेक्टर को एक वेटेज देता था अभी भी दे रहा है बट दैट वाज माय स्ट्रेंथ दिस इज डिफरेंट एंड दैट वाज डिफरेंट या मैं बहुत मिस कर रहा था धोती कुर्ते नो दिस इज नॉट माय वीकनेस बट दैट थिंग दैट वाज माय स्ट्रेंथ वो दैट डमरू आई स्टिल मिस इट सच्ची बात यह है कि जब इनका एक स्पेसिफिक एक जो टाइम पीरियड था जब ये व्हाट वर यू प्लेइंग वो क्या था सीता और गीता व्हेन शी वाज प्लेइंग दैट सीता और गीता कैरेक्टर मैंने काफ़ी बार इन्हें बोला है कि उसमें जब जो इनका लुक था ना दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग एंड द मोस्ट मेसमराइजिंग लुक अकॉर्डिंग टू मी उमा शंकर ओके लेकिन ये लुक क्यों बदला एज अविनय श्रेखी आल्सो ओके लेकिन ये लुक क्यों बदला है मतलब पटाया से वापस आया काफी मस्ती धमाल और कुछ काफी कुछ हुआ है वहां पर जी हाँ मेरा किरदार तो इसलिए बदला है बिकॉज कनक ने मुझे कहा कि ये इस बेस धोती पे रहेंगे तो मासी साई ने मुझे पहचान नहीं पाएंगी तो मैंने ये वाला किरदार भी निभाया और इसके बाद एक और किरदार जो हम मासी साई और आदित्य के सामने जाते हैं तो उसमें हमारा एक अलग सा किरदार है जो कि एक सरप्राइज ऑडियंस के लिए जब वो देखेंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा और कनक का भी जो ये लुक चेंज हुआ है बिकॉज ये बैंकॉक गई है तो उसके रंग में ढंगने के लिए इन्होंने और शॉपिंग की कितनी मस्ती हुई है पैसे दिए थे मंच ने देखेंगे तो अच्छा लगेगा ना उन्हें बता देंगे तो फिर फायदा क्या रिटर्न अपडेट्स आर नॉट दैट Amazing. हाँ जी आप ये जानने के लिए हमारा शो देखते रहिए तो सूरज में सांझ पियाजी 7 PM एवरी डे एक्सेप्शन अभी कौन है तो क्या वो खा जाएंगे मुझे